हम मानते हैं तहसीलदार साहब से गलती हो सकती है, सांसद साहब से भी गलती हो सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप एक सरकारी अधिकारी को पीटेंगे, आप कानून हाथ में लेंगे, ये अधिकार देश का संविधान आपको नहीं देता है। चेत जाइए, अभी भी समय है। सबका साथ सबका विकास, बीजेपी है आपके साथ, यही स्लोगन लेकर बीजेपी सत्ता में आई। और सत्ता में आने के बाद उसको चाहिए था कि जिस तरह से जनता ने प्यार मोहब्बत और बड़ी भारी मतों से उसको जिताया था, उसको उन नागरिकों के हितों की रक्षा करनी चाहिए थी और उन नागरिकों के लिए कार्य करना चाहिए था। लेकिन इसके उलट आए दिन सरकार के मंत्रियों के, सरकार के नुमाइंदों के कार्य सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनको देखकर लगता नहीं है कि ये वाकई वही बीजेपी है जो सपने दिखाकर इस देश के ऊपर राज कर रही है। एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कन्नौज से निकल कर आ रही है, जहां पर बीजेपी के एक सांसद ने एक तहसीलदार की उसके घर में घुस के गुंडों सहित पिटाई की। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। एक बार फिर भेदभाव वाली बीजेपी की मानसिकता निकल कर आई है। कन्नौज के तहसीलदार अरविंद कुमार पासी, जो अनुसूचित जाति से आते हैं, जिन्हें भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने अपने आदमियों के साथ इनके घर जाकर परिवार के सामने सिर्फ इसलिए पीटा कि सांसद जी ने जो पर्ची बनाकर भेजी थी तहसीलदार अरविंद कुमार पासी को, क्योंकि वो राशन वितरण इस समय कोरोना में उनकी ड्यूटी लगी है, राशन वितरण के कार्य में व्यस्त हैं, माननीय सांसद जी ने एक पर्ची भेजी कि ये हमारे लोग हैं, पहले आप इनको राशन दीजिए। लेकिन चूँकि तहसीलदार हैं और अनुसूचित जाति से आते हैं और ईमानदार हैं, उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। पात्रता के हिसाब से राशन बांटा जा रहा था, यह बात माननीय सांसद सुब्रत पाठक, जो स्वर्ण जाति से आते हैं, उनको नागवार गुजरी। उन्हें लगा ये छोटी जाति का कर्मचारी तहसीलदार है, लेकिन उनकी जाति के सामने तो कर्मचारी ही हम इसको कहेंगे। उनका पारा सातवें आसमान पर था। वो तहसीलदार को ढूंढते हुए उनके ऑफिस पहुंचे। ऑफिस में जाकर पता चला कि तहसीलदार साहब घर जा चुके हैं। यहाँ पर पाठक साहब का गुस्सा शांत नहीं हुआ, वो सीधे तहसीलदार साहब के घर जा धमके, उनके गेट को तोड़ने लगे। उनके साथ जो गुंडे वहाँ पहुँचे थे, उन्होंने गेट को बजाना शुरू किया। तहसीलदार साहब के बच्चे घर में अंदर थे, उनकी बीवी और पूरा परिवार घर के अंदर था। बच्चे डर गए, उनकी बीवी रोने लगी, आज कैसा घर में हंगामा मचा है। तहसीलदार साहब सारी बातों को समझते हुए उन्होंने कुंडी खोली और खुद घर से बाहर निकल आए। तहसीलदार साहब के घर के बाहर जो आंगन है, वहाँ पर कुर्सी पड़ी होती है, जब वो अपना काम करते हैं तो उस कुर्सी पर पैर पर पैर रखकर माननीय सांसद पाठक जी बैठे हुए थे। उन्होंने आप देखा ना ताव, पहले तो माननीय जो तहसीलदार हैं अरविंद कुमार पासी जी, उनके मुंह पर थप्पड़ जड़ने शुरू कर दिए। यहीं पर बात ख़त्म नहीं हुई, गाली गलौज करने के बाद उनको जाति सूचक शब्दों से नवाजा गया और जो 20-25 लठैत सांसद जी के साथ गए थे, वो टूट पड़े। जैसे एक गाय भैंस को मारा जाता है, उस तरह से तहसीलदार अरविंद कुमार पासी को पीटा गया। उल्लेखनीय है कि मंगलवार देर रात तहसीलदार अरविंद कुमार ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने राशन वितरण की सूची भेजी थी। उन्होंने शिकायत की थी कि सूची के अनुसार राशन का वितरण नहीं किया जा रहा है, जबकि वह सांसद की सूची के मुताबिक राशन वितरण कर रहे थे। तहसीलदार का आरोप है कि सांसद सुब्रत पाठक ने उन्हें फ़ोन पर धमकी दी, गालियां दी और इतना ही नहीं दफ्तर में आकर मारने की धमकी भी दी। तहसीलदार के अनुसार इस घटना की शिकायत उन्होंने खुद डीएम से भी की। उसके बाद डीएम के कहने पर वो अपने घर चले गए। तहसीलदार का कहना है कि
घर पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही सुभृत पाठक 20-25 लोगों के साथ आए और दरवाजा पीटने लगे। यह देख मेरी बीवी और मेरे बच्चे घर में रोने लगे। तहसीलदार का आरोप है कि घर पर पहुंचकर सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि तुमने सूची के अनुसार राशन क्यों नहीं बांटा। इस पर मैंने कहा कि वितरण हो रहा है। इसके बाद उन्होंने मेरा मोबाइल छीनते हुए मुझ पर थप्पड़ों की बरसात कर दी और उनके साथ आए लोगों ने मुझे जमीन पर गिराकर लात घूसों से पीटा। बता दें, इस मामले में समाजवादी पार्टी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। वहीं इस मामले में SC ST एक्ट के अलावा 10 और धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। इस मुद्दे पर छात्र संगठन की नेता नेहा यादव क्या कहती हैं? योगी सरकार के जंगलराज प्रदेश में कन्नौज भाजपा सांसद की सरेआम गुंडई, तहसीलदार अरविंद कुमार के आवास में समर्थकों के साथ घुसकर भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने अपने समर्थकों के साथ तहसीलदार को जमकर पीटा और सरेआम बद्दी बद्दी गालियां भी दी। तहसीलदार पर घोटाले युक्त काम के लिए दबाव बना रहा था सांसद। घटना को 2 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई गिरफ्तारी या इस मामले पर कोई अपडेट कन्नौज प्रशासन की तरफ से नहीं मिला है। इस मुद्दे पर भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, यूपी में मनुवादी सरकार का आतंक बढ़ता जा रहा है। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक द्वारा कन्नौज यूपी सदर तहसीलदार अरविंद कुमार पर हमला शर्मनाक है। यह तमाचा दलित समाज के सम्मान पर चोट है। सब कुछ याद रखा जाएगा। आगाह करता हूं, सुब्रत पाठक को तत्काल पार्टी से बर्खास्त कर गिरफ्तार किया जाए। आइए देखते हैं अरविंद कुमार पासी का इस बारे में क्या कहना है। खास खबर उत्तर प्रदेश के कन्नौज से, जातिवाद अभी देश से खत्म नहीं हुआ। जिला साहब ने मुझे व्यक्तिगत रूप से फोन करके बताया भी कि साहब बताइए यहाँ पर मेरे साथ मारपीट की है। कौन लोग थे वो? तहसीलदार साहब अगर उनको पहचानते होंगे तो उनके विरुद्ध नामजद रखा जाता है। सर मारपीट हुई थी उसमें सांसद जी मौजूद थे? अब ये तहसीलदार साहब बता सकते हैं बेहतर, क्योंकि मैं उस समय मौजूद नहीं था। क्या है तहसीलदार साहब, थोड़ा सा बताएं तुम लोग को, क्या घटना हुई थी? आप जैसा पता चला कि थोड़ा नीचे का बैठ लीजिए, कौन कौन लोग थे थोड़ा सा स्पष्ट करें। तो मेरे मोबाइल नंबर पर माननीय सांसद जी का फोन आया, तो उन्होंने कहा कि हमने एक सूची भेजी थी परसों, तो उस पर राशन वितरण नहीं हुआ है। यही बताया कि वो सूची हमने नायब साहब को दी थी, नायब साहब चिन्हित करके सभी लोगों को राशन उपलब्ध करा रहे हैं। तो सांसद जी ने कहा किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया। तो मैंने कहा सांसद सुनो, नायब साहब सूची से वितरित किए हैं, अभी मैं 10 मिनट में आपको बता रहा हूँ कितने लाभार्थियों को उसमें से वितरित कर दिया गया है। जो बचेंगे उनको वितरित करा दिया जाएगा। इतना कहने के बाद सांसद जी जो है गाली देने लगे माँ बहन की। उन्होंने कहा सांसद जी गाली मत दीजिए, कहीं आ रहा हूँ मैं। गाली देते हुए कहे कि अभी मैं आ रहा हूँ, कहाँ बैठे हो तहसील में, आ रहा हूँ। मैंने ये डीएम साहब को, एडीएम साहब को, एसडीएम साहब को बताया कि माननीय सांसद जी उनको गाली दे रहे हैं और धमकी दी है कि तहसील में आ रहा हूँ मारने। इसके बाद फिर जब बाद में पता चला कि वो आ रहे हैं, तो मैंने एसडीएम साहब से बात की कि साहब वो आ रहे हैं यहाँ पर। साहब ने कहा कि आप वहां हट जाइए। मैं आवास पर चला आया, फिर आवास पर सब लोग गेट खोल कर अंदर घुस गए। लगभग 30-35 की संख्या में थे माननीय सांसद। मेरा दरवाजा पीटने लगे, बच्ची और पत्नी मेरी अंदर से रोने लगी, तो मैं डर गया कि कहीं अंदर न घुस गए लोग, मेरी पत्नी वगैरह साथ बदतमीजी करें मारे। तो मैं दरवाजा खोल कर बाहर आ गया, तो वही सांसद जी बैठे थे मेरी कुर्सी के बाहर। मैं जब बैठता हूँ वहाँ सांसद जी, माननीय सांसद जी बैठे थे। मैंने तो सांसद जी ने कहा कि ये तुमने मेरी सूची में वितरण क्यों नहीं किया? मेरा सर वितरित करा रहा हूँ ना, सर सूची वितरित करा रहे हैं। उन्होंने जो है, मैं मोबाइल हाथ में लिया था, मोबाइल छीन लिए और 20-25 लोग थे और सांसद जी मुझे थप्पड़ से पीटने लगे। उनके साथ जो 20-25 लोग थे वो भी मुझे गिरा गिरा कर मारने लगे। और लोगों की पहचान हुई सांसद के अलावा कौन कौन लोग थे? सांसद जी के अलावा व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूँ, मतलब 20-25 की संख्या में थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती जी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में अपनी ईमानदारी से ड्यूटी कर रहे एक दलित तहसीलदार। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है,
उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में अपनी ईमानदारी से ड्यूटी कर रहे एक दलित तहसीलदार के साथ अभी हाल ही में वहां के बीजेपी सांसद ने जो मारपीट व दुर्व्यवहार आदि किया है, यह अति शर्मनाक है। आगे वो लिखती हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि यह सांसद अभी भी जेल में जाने की बजाय बाहर ही घूम रहा है, जिसे पूरे प्रदेश में दलित कर्मचारियों में जबरदस्त रोष व्याप्त है। ऐसे में मुख्यमंत्री को चाहिए कि वे इस मामले में जरूर सख्त कदम उठाए, ताकि यह सांसद कभी आगे ऐसी हरकत ना कर सके। साथ ही साथ पूरे प्रदेश में खासकर दलित कर्मचारियों के साथ आगे ऐसा कोई भी बर्ताव ना हो, तो इसके लिए भी इनको अपने इस सांसद के विरुद्ध तुरंत कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। बीएसपी की यही मांग। खबर कैसी लगी? अपनी कीमती राय देना ना भूलें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, प्ले स्टोर पर संत आवाज़ टीवी के ऐप, और अगर आप वेबसाइट पर हैं तो www.santaawazTV.in पर हमें लॉगिन करना ना भूलें। धन्यवाद।